आज मैं डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ न्यू लॉन्च बजाज पल्सर P150 ट्विन डिस्क को पल्सर N160 ड्यूअल चैनल ABS से। दोनों बाइक में क्या क्या अलग आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, पावर परफॉर्मेंस कैसी है, दोनों का माइलेज कितना है, रियल में कीमत की बात करें तो P150 की एक्स शोरूम में 1,20,515 रुपये, N160 की एक्स शोरूम में 1,28,374, दोनों में 7,800 का अंतर दिया है। शुरुआत करते हैं दोनों बाइक के फ्रंट लुक से। तो दोनों ही बाइकों में आपको सेम टू सेम डिजाइन के थोड़े से फ्लेक्सिबल हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। अगर हेडलाइट की बात आती है तो इसमें आपको वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है और ऊपर में आपको LED DRL देखने को मिलती है। इसका जो प्रोजेक्टर है वो अंदर में देखने को मिलता है, जबकि N160 की बात करें तो इसमें आपको वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर मिलता है, LED DRL मिलती है। इसका जो प्रोजेक्टर है वो आपको पूरा का पूरा ओपन देखने को मिलता है। जैसा कि एक नेकेड बाइक है तो इसमें आपको थोड़ा सा वाइजर मिलता है, काफ़ी एरोडायनामिक डिजाइन के साथ ड्यूअल टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। जबकि अगर हम P150 की बात करें तो इसका जो प्रोजेक्टर है और जो हेडलाइट है वो आपको थोड़ी सी उभरी हुई नज़र आती है, इसमें भी आपको ड्यूअल टोन कलर के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। जब बात सस्पेंशन पे आती है तो इस बाइक में आपको मिलते हैं 37mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन, जबकि P150 में आपको मिलते हैं 31mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के सस्पेंशन। इसका जो मडगार्ड है वो थोड़ा सा पतला है, यहाँ से जो कटिंग है वो भी आपको थोड़ी सी कम मिलती है। मैट ब्लैक कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं, जबकि N160 का ये जो मडगार्ड है वो काफ़ी चौड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसकी जो कटिंग है, जो एजेस हैं वो आपको थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। 3-tone कलर के इसके ऊपर आपको ग्राफिक्स का सेटअप मिल जाता है। इसका जो टायर है वो आपको 100 सेक्शन का मिलता है, 100mm इसके आगे वाले टायर की मोटाई है जो आपको मिल जाता है 180/17 का, जो कि ट्यूबलेस है। अगर हम P150 के टायर की बात करें तो इसके टायर की मोटाई है 90mm, जो कि आपको 90/90/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। अगर सेफ्टी की बात आती है तो इसमें आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS, 260mm की डिस्क मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ, जबकि N160 में भी आपको सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल दोनों मिलते हैं, जबकि इसमें आपको 300mm की डिस्क मिलती है। N160 में आपको मिलते हैं क्रेमिका के ब्लैक कलर के कैलिपर, जबकि पल्सर P150 में आपको मिलते हैं नॉर्मल ब्लैक कलर के कैलिपर। जब बात आती है अलॉय व्हील की तो आप दोनों ही बाइक के अलॉय व्हील की डिज़ाइन को देख सकते हैं, दोनों में आपको अलग अलग डिज़ाइन के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। दोनों की हैंडलिंग की और मीटर कंसोल फीचर्स की बात करें तो P150 में आपको मिलती है क्लिप ऑन वार टाइप की स्पोर्टी हैंडल बार, जबकि N160 में आपको मिलती है मेटल रॉड वाली नॉर्मल हैंडल बार। अगर हम P150 का कंसोल ऑन करते हैं तो इसके कंसोल में ऑरेंज कलर की लाइट आपको जलती हुई दिखाई देती है, जबकि N160 का कंसोल ऑन करेंगे तो इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती हुई दिखाई देगी। N160 में यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा हेडलाइट की बटन मिलती है ऑन ऑफ करने के लिए, जो आपको P150 में देखने को नहीं मिलती है। दूसरा अंतर ये है कि इसके मीटर कंसोल में आपको ऑयल इंडिकेटर की वार्निंग लाइट मिलती है, जो आपको पल्सर P150 में नहीं मिलती है, क्योंकि ये एयर कूल्ड के साथ आती है, वो आपको मिलती है ऑयल कूल्ड के साथ। इसमें आपको चेक इंजन, लो बैटरी, साइड स्टैंड, हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, RPM मीटर और यहाँ पर आपको गियर सेफ्टी इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, DTE मिल जाता है, सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है, बाकी ऊपर में आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS और RPM लाइट की वार्निंग मिलती है। इसमें आपको मिलता है 46 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। नीचे में आपको जो कंसोल है वो पूरा का पूरा कवर है, जबकि इसका जो कंसोल है उसमें भी आपको सेम के सेम वही फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी जो माइलेज है वो भी आपको 46 के आसपास मिलती है। दोनों की जो मिरर हैं वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलते हैं। दोनों बाइक के जो स्विचेस हैं वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम के सेम मिल जाते हैं। दोनों में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, दोनों में आपको बार एंड मिल जाते हैं। दोनों बाइक की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइकों में आपको सेम की सेम लगभग 120 से 125 के अप्रॉक्स टॉप स्पीड मिल जाती है। 14 लीटर का मेटल बॉडी का फ्यूल टैंक और यहां पर USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिलता है। इसका जो कलर है वो आपको थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है, जबकि N160 के कलर में आपको थोड़े से चमकीले पार्टिकल नज़र आएंगे। इसमें भी आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, पल्सर का 3D में लोगो मिलता है विद क्रोम के साथ, जबकि पल्सर P150 का जो लोगो है वो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिलता है। अगर आप इसके सबसे बड़े बदलाव को देखेंगे तो इसके जो काउल का जो ये वाला जो हिस्सा है वो आपको काफ़ी एरोडायनामिक तो मिलता है, काफ़ी बड़ा भी है ये वाला पार्ट। अगर मैं आपको इसका P150 का ये वाला पार्ट दिखाऊं तो इसका जो पार्ट है ये काउल वाला, ये आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है साइज़ के हिसाब से और ये थोड़ा सा कम लंबा भी है।
दोनों बाइक की सीट कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही बाइकों में आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। उसमें भी स्प्लिट सीट मिलती है, उसमें 795 mm की सीट हाइट मिलती है, जबकि इसमें 790 mm की सीट हाइट मिलती है। इसकी पीछे वाली जो पिलियन वाली सीट है वो आपको थोड़ी सी ऊपर की तरफ से पतली मिलती है, जबकि अगर आप N160 की पीछे वाली जो पिलियन वाली सीट है इस वाले हिस्से को देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है। बाकी दोनों की जो सीट कंफर्ट है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है। अगर आप N160 का ये सीट वाला काउल देखेंगे तो ये जो काउल है वो इसके ग्रैब हैंडल के लास्ट वाले हिस्से से शुरू होता है, और देखने में ये जो काउल है वो P150 की अपेक्षा में काफ़ी चौड़ा भी है और काफ़ी बल्कि भी प्रतीत होता है। ऊपर से भी देखेंगे तो ये जो बाइक है वो काउल की वजह से काफ़ी चौड़ी नज़र आती है, जिसके ऊपर में N160 का आपको स्टिकर मिलता है। अगर आप इसके P150 के काउल को देखेंगे तो ये ऊपर की साइड से शुरू होता है, यहाँ से शुरू नहीं होता है जैसा कि उसमें पीछे के साइड से शुरू होता है। यहाँ पर P150 का स्टिकर, ब्लू कलर के ग्राफिक्स, और ये जो काउल है वो आपको थोड़ा सा पतला सा प्रतीत होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप इनको ऊपर से भी देखेंगे तो ये जो काउल है वो आपको पुरानी वाली पल्सर की याद दिलाते हैं, थोड़ी सी ये पतली नज़र आती है। बजाज पल्सर P150 का जो पीछे वाला ग्रैब हैंडल है वो आपको स्प्लिट में मिल जाता है। इस बाइक में भी आपको स्प्लिट LED क्रिस्टलाइन टेललाइट का सेटअप मिलता है, यही चीज़ आपको मिल जाती है बजाज पल्सर N160 में सेम प्रोफाइल के साथ। अगर हम मडगार्ड की बात करें तो इसका जो मडगार्ड है वो आपको कुछ इस तरह का मिलता है, क्योंकि इसके नीचे में जो है वो कंपनी ने एक टायर हगर का यूज किया गया, जिससे आपको ज़्यादा खाली प्रतीत नहीं होगा। बाकी ये जो मडगार्ड है वो आपको पुरानी वाली पल्सर 150 की याद दिला सकता है। दोस्तों दोनों की रियर व्हील प्रोफाइल की बात करें तो इसमें भी आपको 230 मिलीमीटर की डिस्क मिल जाती है, इसमें ABS नहीं मिलता है, जबकि N160 में आपको पीछे में 230 मिलीमीटर की डिस्क मिलती है ABS के साथ। इसमें भी आपको अंडरवेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, यही चीज़ आपको P150 में भी आपको सेम प्रोफाइल का अंडरवेली एग्जॉस्ट मिलता है। इसमें आपको 110/80/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। इसके पीछे वाले टायर की मोटाई है 110 mm, जो कि पुरानी पल्सर से 10 mm कम है और N160 से 20 mm कम है। इस बाइक में आपको मिलता है 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर। इसके पीछे वाले टायर की मोटाई है 130 mm की, जो कि पल्सर P150 से 20 mm मोटा मिल जाता है। इस बाइक में आपको टायर हगर मिल जाता है, जबकि पल्सर P150 में आपको पीछे में टायर हगर नहीं मिलता है। अगर हम अदर अपडेट की बात करें तो इस बाइक में आपको मड स्लैब मिल जाता है, इसमें आपको मिलता है मोनोशॉक टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप। अगर हम N160 की बात करें तो इस बाइक में भी आपको मड फ्लैप मिल जाता है, और इसका जो सस्पेंशन है पीछे वाला वो है मोनोसॉक्स विद नाइट्रॉक्स टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप। अगर आप पल्सर P150 का इंजन गार्ड देखेंगे तो ये आपको टू पीस में डिवाइड मिलता है, दो भाग इसके अलग अलग हैं। अगर आप N160 का इंजन गार्ड देखेंगे तो इसका जो इंजन गार्ड है वो थ्री पीस में डिवाइड है, बीच में इसमें जो है वो एक एयर वेंट का भी यूज किया गया है इंजन को ठंडा करने के लिए। इसमें आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसा कि यहाँ पर आपको किक नहीं मिलेगी, लेकिन डेली कम्यूटिंग के हिसाब से इस पल्सर P150 में आपको किक स्टार्ट का लीवर भी देखने को मिलता है, जो इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका जो इंजन है वो नॉन DTSI ट्विन स्पार्क इसमें आपको नहीं मिलता है, नॉन DTSI इंजन है, जबकि पल्सर N160 का ये जो इंजन है वो DTSI टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है, जिसके हेड के दोनों तरफ आपको दो स्पार्क प्लग मिल जाते हैं। इन दोनों ही बाइक में आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इसमें दिया है 164.82 cc का ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व DTSI इंजन। ये इंजन 16 PS की पावर देता है 8,750 RPM पर और 14.65 Nm का टॉर्क देता है 6,750 RPM पर, जबकि P150 में आपको मिलता है 149.68 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व FI इंजन। ये इंजन 14.5 PS की पावर देता है 8,500 RPM पर और 13.5 Nm का टॉर्क देता है 6,000 RPM पर। इस बाइक में आपको मिलता है एयर कूल्ड वाला इंजन, जबकि N160 में आपको मिलता है ऑयल कूल्ड के साथ इंजन, जैसा कि इसमें आपको रेडिएटर कूलिंग का एक सिस्टम देखने को मिलता है। इसका कर्व वेट है 154 kg, जबकि पल्सर P150 का कर्व वेट है 140 kg। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के साइड प्रोफाइल की। तो N160 के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का एक साड़ी गार्ड का सेटअप मिल जाता है लेडी पिलियन की सेफ्टी के लिए। एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं ब्लैक कलर के, एल्यूमिनियम के, और यहाँ भी आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड मिल जाता है। ओपन चेनसेट कवर मिलता है
और इस बाइक में आपको मिलता है 5-speed कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स का सेटअप। इसमें 5 गियर मिलते हैं, साथ में आपको टॉर्क ऑन डिमांड का इसमें आपको फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है। अगर हम N160 की बात करें तो इसमें भी आपको 5-speed कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स का सेटअप मिलता है। इसमें भी आपको 5 गियर मिल जाते हैं और इसमें भी आपको टॉर्क ऑन डिमांड का फीचर्स दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको P150 का साउंड सुना देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको N160 का भी साउंड सुना देता हूँ। बात करें दोनों बाइक के प्राइस के बारे में तो N160 ड्यूअल चैनल ABS की एक्सोरूम कीमत है 1,28,374 रुपये, ऑनरोड कीमत है अप्रॉक्स 1,58,237 रुपये, P150 स्प्लिट सीट की एक्सोरूम कीमत है 1,20,515 रुपये, अप्रॉक्स ऑनरोड कीमत है 1,42,000 के आसपास। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑनरोड कीमत जानना चाहते हैं किसी भी बजाज की बाइक की तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम और बाइक की मॉडल का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। ये ऑनरोड कीमत मैंने आपको बताई शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।